जैसे पहले बोलना चाहूँ कि बहुत दिन मैं टीम के बाहर था, तो इंजरी था, तो उसके बाद डोमेस्टिक खेल के फिर टीम में इंडिया आया के बाद थोड़ा परफॉर्मेंस किया, फिर टीम में नाम आया। तो उसके बाद मेरा प्रिपरेशन वही था कि जैसे उससे पहले प्रिपरेशन वाइज जैसे बैटिंग कीपिंग में करता रहता था, तो वही कंटिन्यू किया। और उसके बाद होम सीरीज में मुझे मौका मिला है और टीम के लिए कंट्रीब्यूट किया, तो मुझे मैं हैप्पी हुआ। आपने जैसे बताया कि मेंटर, वैसे मेंटर टाइप कुछ नहीं है, हम लोग डिस्कस करते हैं जैसे नॉर्मली कीपर्स लोगों का जैसे थिंकिंग होता है, या फील्डिंग कोच श्रीधर साथ में हम तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन सा विकेट में कैसे कीपिंग करना है, और मतलब मैंने कैसा किया वो बाहर से ऑब्जर्व किया, वो जो वेस्ट इंडीज़ में कर रहा था मैंने ऑब्जर्व किया, तो उस चीज़ में हम लोग प्रैक्टिस सेशन में काम करते हैं। और हम लोगों का बीच में जो कोऑर्डिनेशन है बहुत ही अच्छा है, मतलब मुझे मेरा कुछ अगर गलती होता है तो वो बताता है, अगर कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं मैं बताता हूँ, तो वैसे अच्छा है अभी तक। एक्चुअली हर कोई टीम के लिए कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं, जैसे उमेश ने पहले इनिंग में बहुत ही अच्छा बॉलिंग डाला है और अच्छा चांस क्रिएट किए थे, तो सेकेंड इनिंग भी वैसे किया, और जो चांस क्रिएट हुआ था लेग साइड के बाहर तो मैं उसमें लकीली पहुँचा और मैं टीम के लिए बहुत फ़ायदा हुआ, तो मैं वैसे ही सोचता हूँ। और हाँ, उमेश ने बोला है कि मेरा 2 विकेट है, तो वैसे अच्छा तो लगता ही है कि पर्सनली थोड़ा अच्छा टीम गया है वो लास्ट मैच, और टीम के लिए भी फ़ायदा हुआ स्पेशली। वैसे देखा जाए तो हर जगह कीपिंग करने में टफ तो होता ही है, क्योंकि कीपिंग एज ए देखा जाए तो थैंकलेस जॉब है, क्योंकि ग्लव पहना हुआ है, सब कुछ सोचता है कि हर बॉल तो पकड़ता ही है, पकड़ना ही चाहिए, तो वैसे इजी नहीं होता है टर्निंग ट्रैक में भी और स्पेशली अनइवन बाउंस में भी। तो प्रिपरेशन वैसे हम लोग करते हैं कि कैसे विकेट है वैसे रेट करके, और जैसे जड्डू और ऐश डालता है तो बहुत दिन से मैं उन दोनों को कीपिंग करता हूँ, तो उन लोगों का वेरिएशंस पता है और उन लोगों का पेस भी पता है, तो उसके हिसाब से एडजस्ट करके मैं वो मतलब सिचुएशन हिसाब से एडजस्ट करता हूँ। फील्डिंग वाइज जैसे हर टेस्ट मैच में ऐसे मैं देखता हूँ कि अपॉर्चुनिटी जैसे टीम को अच्छा कंट्रीब्यूट करना है एज ए बैटिंग और कीपिंग में भी, तो हाँ इधर लास्ट मैच में मैं 100 बनाया था 117 शायद, तो वो दिमाग में है कैसे अप्रोच किया था, और कीपिंग भी एक स्मिथ का एक इंसिडेंट हुआ था एसी ग्राउंड में शायद, तो वो भी याद है। और देखा जाए तो एज ए टीम लास्ट मैच इधर ड्रॉ हो गया था, तो इस बार कोशिश करेंगे कि जैसे 2-0 ऑलरेडी है हम लोग, तो इसको 3-0 करने की कोशिश करेंगे।